ਕੋਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਉਹ ਮੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬਜੇ ਆ ਵਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣੇ 7 ਲੱਖ ਕਿਧਰ ਬੜੀ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਡੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਡੰਗਰ ਸੁਣ ਜਿਸ ਰੰਗ ਨੇ ਲੋੜਨਗੇ ਉਸ ਰੰਗ ਨੇ ਦਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन मतलब नस्ल बता रहे हैं नस्ल ऑस्ट्रेलिया का है भाई ठीक है ऑस्ट्रेलिया से 10 से 12 मन भाई वजन है इसका और इसकी प्राइस मुझे जो लगता है ना अंदाजे के मुताबिक 15 से 16 लाख जी जी फाइनल 15 लाख क्या बात है भाई मेरा एक्सपीरियंस है 15 से 16 15 लाख फाइनल है ठीक है 4 लाख ज्यादा बता रहे हैं भाई कोई मुनासिब हमें रेट बताएं अभी आप मुनासिब करें या फाइनल बता रहे हैं फाइनल 3.5 का हो जाएगा भाई आपके लिए गाइस सीन कुछ ऐसा है कि यार गर्मी बहुत है 11 बज रहे हैं ठीक है सुबह के हमारा चैलेंज है कि आज असद और मैंने व्लॉग बनाना है गर्मी में शरीर गर्मी में 11 12 के दरमियान ठीक है तो वो अभी आ रहा तैयार होकर मैं तैयार होकर मतलब अपनी गली में खड़ा हो गया हूँ तो सीन ये है कि आज आपको हम बकरा मंडी दिखाएँगे ठीक है बकरा मंडी में बकरों के क्या रेट हैं उसके बाद जो बड़े बैल वगैरह हैं उनके क्या रेट चाह रहे हैं मीरपुर की मंडी में हमने विजिट करना है तो पिछली ईद के मुकाबले इस ईद जो आने वाले 5-6 दिन रह गए हैं तो इसमें क्या क्या डिफरेंस है क्या क्या प्राइसेस हैं आपको सब दिखाएंगे तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं मगर रुक जाएं यार असद भाई ने तो आना है उसका वेट कर रहा हूँ ठीक है तो मैं अभी अपनी गली में खड़ा हूँ वो बस आ रहे हैं 5 मिनट तक आ रहा है तो उसका वेट कर रहा हूँ चाचे से गपशप करते हैं वीडियो बन रही है क्या हाल है खैरियत है चाचा बड़ा मेहनती ने भाई दिन रात कम कर देने चाचा बड़ा मेहनती है मैं कह रहे हैं अच्छा हाँ तुसी बड़ी मेहनत कर दे हो हाँ जी तो गैस ये जो बंदा है ना ये चाचा ये दिन रात कसम से मेहनत करता है इधर मतलब काम करता रहता है ठीक है दिन हो रात हो ईद हो जो मर्जी दिन हो इसने हमेशा काम ही करना है यार असद भाई अब तक आ नहीं रही लगता है कुछ ज़्यादा मेकअप कर रहे हैं भाई आ जा पूरी दुनिया तेरी वेट कर रही है भाई आ जा जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे जैसे गर्मी भी बढ़ रही है उसको मैं भाई बोल रहा हूँ जल्दी से आ जा वो गाना है ना वो इंडियन आ जा ये चुप है हाँ अभी तक भाई नहीं आया देखते हैं क्या सीन है आ गया आ गया आ गया पूरी दुनिया आपका वेट कर रही है कैसे हैं शुक्र अल्लाह आप सुनाएं कब के स्टार्ट किया हुआ है कि ना आज सब गर्मी में हमने व्लॉग बनाया ये हमारा चैलेंज है ठीक है तो घबराना नहीं है ठीक है नहीं नहीं कितनी मर्जी गर्मी हो हमने व्लॉग बनाना है क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने अपलोड भी नहीं किया ना ये है कि काफ़ी दोस्तों ने हमें मैसेज किए हैं कि यार आप लोग जाओ मंडी हमें रेड वगैरह ठीक है गाइस आपको मिलते हैं ड्रग मंडी में अगर लगी हुई तो अभी पेट्रोल डलवाना है भाई भाई अभी आपका भाई आ चुका है मंडी में तो देखते हैं क्या रेट वगैरह चलते हैं मंडी बिल्कुल सुनसान है धूप बड़ी है मगर फिर भी आपके लिए जाना है भाई हमारा चैलेंज है गर्मी में असद भाई भी अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं चेक करें जी मंडी चेक करें इतनी रौनक नहीं है मगर फिर भी आहिस्ता आहिस्ता रौनक लग रही है ये चेक करें पीछे से आप चित्रपड़ी का मुकाम है ये ठीक है असद भाई और सुनाओ क्या हाल है इन्नी जगह ना भाई गर्मी है ये चेक कर बैल क्या बात है, बाकी है, कि से पूछते हैं ये मेरे ख्याल तीनों एक जैसे हैं सेम टू सेम चलें जब भी कोई बातचीत करते हैं इनसे क्या प्राइसेस हैं बड़े अच्छे अच्छे जानवर खड़े हैं इधर बैल वगैरह अस्सलाम वालेकुम बाबा जी क्या हाल है बड़े खूबसूरत जानवर ने जगह जगह जानवर लिया सोने सोने लोड़ गए अच्छा करवानी जी लोगों लानी है तो फिर डंगर सोने लियाओगे तो करवानी लगनी है ना लोड़ गए अगर पहला डंगर नहीं कदे लियांदा अच्छा कितों आंदे ने फिर ये जनाब डमेलू डमेलू हाँ क्या बात है डमेल जी मंडी है ना सर अपनी रात बच्चों की डमेल देता तो बंदियों की मिस्र भी देता क्या बात है समझ ज्यादा अकल ना लवे तो समझ ना लवे तो बच्चे जड़े ना अल्लाह ने हुक्म ना पूरी मंडी के सरदार होंगे ना इसने रखिया पप्पू उसने ना रखिया सनाउल्ला सनाउल्ला क्या बात है इन्हें रेट मंगने 6-6 लाख रुपया 6-6 लाख हाँ 6-6 लाख तो फाइनल किन्ने तक हो जाए घट दे देंगे 5-5 लाख ही जा देंगे मुड़ 6-6 लाख करने हैं ठीक है 5 लाख 5.25 लाख तक हो जैसे ठीक है मोल करने हैं ना दीवाना दीवाना क्या बात है कितने दीवाने ते कितने वजन हो सी दा इतना वजन है 5 मण 5 मण क्या बात सब तो महंगा ओ बच्चा जेड़ा विचकार बजे है इस बच्चे ने 7 लाख रुपया मांगने हैं 7 लाख ठीक है
इधर बड़ी मंडी जी बादशाह मंडी है चंगे चंगे डंगर जिस रंग ने लोड़नगे उस रंग ने देंगे हले फुल नहीं हुई हले आनी है दो चार बाद फुल हाँ जी चार पाँच दिन बाद चले ठीक है बाबा जी मेहरबानी 6 लाख 7 लाख अच्छा बैल आपको मिल जाएगा चित्रपड़ी से। ये देखो धुलाई हो रही है भाई गर्मी में हर किसी को गर्मी लगती है क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम सर वीडियो बना सकते हैं क्या हाल है खैरियत है बड़ी सफाई हो रही है आजकल जी सर सफाई तो होनी चाहिए ना जी ऐसे ही तो के को रेट है दा? ये दा 3 लाख रुपये 3 लाख ठीक है ना और 6 लाख 5 लाख दे रहे सन कितना वजन हो सीधा वजन 5 लाख फाइनल 2 40 2 लाख 40 हज़ार 5 मांड वजन है जी ठीक है भाई मेहरबानी। असर भाई मेरे साथ की ब्लॉग बना लो अकेले अकेले घूम रहे हो बड़े रेट हैं यार उनके 6 लाख 5 लाख इधर 3 लाख सस्ते भी हैं महंगे भी हैं। हाँ मैंने भी उनसे पूछते हैं उन्होंने काफ़ी वगैरह रेट उन्होंने बताए हैं उसका तो कितना है वो जो ब्लैक वाला फल बड़ा वो उन्होंने फुल एंड फाइनल ना 10 लाख का बताया 10 लाख का 10 लाख भाई ये चेक करिए इधर वाला ये 7 लाख का फाइनल हाँ ना ये तो उससे बड़े हैं क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हाल है खैरियत है 17 जानवर क्या बात है इनसे गपशप करते हैं देखते हैं कहाँ से लाए हैं क्या क्या रेट हैं। तो गाइस अभी आपको मीरपुर आजाद कश्मीर का सबसे बड़ा जानवर सबसे बड़ा बैल आपको दिखाते हैं चले मेरे साथ आए पहले भाई से गपशप करते हैं भाई जिनका ये बैल है यार जी अस्सलाम क्या एक तो भाई इसका सबसे पहले अपना नाम बता दें इसका ऑस्ट्रेलियन 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 मतलब नस्ल बता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का है भाई ठीक है ऑस्ट्रेलिया 10 से 12 मन भाई वजन है इसका और इसकी प्राइस मुझे जो लगता है ना अंदाजे के मुताबिक 15 से 16 लाख जी जी फाइनल 15 लाख क्या बात है भाई मेरा एक्सपीरियंस है 15 से 16 15 लाख फाइनल है ठीक है। बाकी है कि इसमें आप 7 से 8 लोग आराम से हिस्सा डाल सकते हैं ठीक है इजिली और है भी बड़ा प्यारा क्या बात है और सबसे एक्सपेंसिव है पूरे मीरपुर जो चित्रपड़ी मंडी लगती है ना सबसे एक्सपेंसिव है। मैंने पहले सारे विजिट कराए हैं मगर ये सबसे एक्सपेंसिव लगे मुझे पहले लोग थे वो मतलब देते थे 7 लाख 8 लाख 15 लाख ले जाओ भाई लूट लो मिला ऐसा जानवर नहीं आपको मिलेगा पूरी मंडी से ये देखे ना व्हाइट एंड ब्लैक होता है ना मिक्सचर ऑस्ट्रेलिया वालों का हाँ व्हाइट जो है ऑस्ट्रेलिया वाला माशाल्लाह फैसल भाई इसका कलर भी बहुत अच्छा है कलर बहुत प्यारा ना ये ठीक है गाइस उम्मीद है कि आपने सबसे बड़ा जानवर ये दो बेस्ट हैं एक वो है ब्लैक एंड व्हाइट और ये ब्राउन कलर का ये बहुत ही बेस्ट हैं ठीक है। तो ठीक है अभी आपको आगे दिखाते हैं बकरियों के रेट दिखाते हैं बैलों के आपको रेट पता लग गए होंगे ठीक है भाई बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़ हाँ आसिफ भाई मज़ा आया हाँ बहुत ज़्यादा यार वाकई काफ़ी बड़ा था वो तो हाँ काफ़ी अच्छा और नाइस था 6 बंदे मेरे भाई अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बेशक वो ले लें बहुत ही मज़े का जानवर है और आप याद करोगे ठीक है 15 लाख कोई बात नहीं यार कुर्बानी अल्लाह की राह में देनी है 15 लाख रुपया इन्वेस्ट करें और आप 8 से 9 लोगों का आराम से कुर्बानी कर सकते हैं। ये इसका कितना वजन होगा ये दोनों जोड़ी है मेरे ख्याल से ये जोड़ी है बड़े खूबसूरत जानवर है यार तो कितना वजन होगा ये दो मन होगा इनका दो मन अच्छा जी तो इसका क्या कुछ रेट वगैरह है इन्हें रेट जोड़ी ने 4 लाख रुपए जोड़ी का जी क्या बात 4 लाख ज्यादा बता रहे हैं भेज दिया कोई मुनासिब हमें रेट बताएं महंगाई बहुत है वो पिछले साल 2000 की अगर थोड़ी लेन देन वाली बात करें ना कुछ अभी आप मुनासिब करें या फाइनल बता रहे फाइनल 3.5 3.5 का हो जाएगा भैया तो फिर भी कपल्स हैं जिसको बोलते हैं ना हम कपल्स वो वाले कपल नहीं हाँ वो वाले कपल हाँ ये इनको बोलते हैं जी जोड़िया माशाल्लाह जी माशाल्लाह सर भाई इधर आओ आपको बकरा दिखाता हूँ मारेंगे तो नहीं ना ये चेक करो माशाल्लाह जी माशाल्लाह काफी क्या बात है गपशप सही हो गई है ओवरऑल ठीक हो गया यार गपशप ठीक भी है आज ही सा सोचिया जी स्कूल हाँ हाँ अच्छा हो गया सो फाइनली गाइस उम्मीद करते हैं कि आपको आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो मिलते हैं पार्ट 2 में यार पार्ट 2 इससे बड़ी मंडी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह।